गाइज, एच की फैक्शन को खत्म करने के लिए फिन वेलर ने अपने सबसे खतरनाक कैरेक्टर द डीमन किंग को WWE में वापस ले आए हैं। गाइज, फिन वेलर और एच के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को रॉक से रिलेटेड एक काफी बड़ी अपडेट देनी है। गाइज, रॉक ने रेसलमेनिया 39 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। गाइज, हम सभी को पता है कि रॉक कितने बड़े हॉलीवुड मेगा स्टार है, और गाइज वो हर साल 2 से 3 मूवीज को तो साइन करते ही हैं। लेकिन अभी एक काफी बड़ी अपडेट ये है कि रॉक ने 2023 में एक भी मूवी के लिए साइन नहीं किया है। और गाइज, ये हम फैंस के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है कि ये कंफर्म है कि रेसलमेनिया 39 में हम फैंस को द ट्रैवल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द पीपल्स चैंप रॉक के बीच एक काफी बड़ा मेमोरेबल मैच देखने को मिलेगा। तो काफी टाइम तक फेस सुपरस्टार रहने के बाद WWE यूनिवर्स के सबसे फेवरेट सुपरस्टारों में से एक हमारे द रेटेड आर सुपरस्टार का हील टर्न हो गया। और गाइज, हील बनने के बाद एज ने अपनी एक फैक्शन बनाना शुरू की है। अपने इस फैक्शन को एज ने जजमेंट डे नाम दिया है। गाइज, एज के जजमेंट डे के पहले मेंबर डेमियन प्रिस्ट बने, जो कि अपने आप में ये काफी कमाल के सुपरस्टार हैं। और गाइज, जजमेंट डे के दूसरे मेंबर फीमेल डिवीजन की हल्क होगन रिया रिपली बनी। और गाइज, अभी एज के जजमेंट डे का फ्यूड एजे स्टाइल और फिन वेलर की टीम के साथ चल रहा है। गाइज, अगर कहूं कि एज की टीम एजे स्टाइल एंड फिन वेलर की टीम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी टीम है, गाइज अगर देखा जाए तो यहाँ एज की टीम एजे स्टाइल और फिन वेलर की टीम से थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि WWE इनकी टीम को पुश दे रही है। गाइज, एज ने कहा है कि उनके जजमेंट डे में एक और नया मेंबर आने वाला है, और रिया रिपली ने कहा है कि हमारे नए मेंबर को ये प्रूफ करना होगा कि वो WWE के बाकी सुपरस्टारों में से सबसे अलग हो, तभी हम उसे अपनी टीम में जगह देंगे। तो गाइज, एज के फैक्शन का नया मेंबर जो भी होगा वो इनकी टीम को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देंगे। और गाइज, इसके बाद एज की टीम एजे स्टाइल और फिन बेलर की टीम से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और गाइज, इसके बाद एज की फैक्शन एजे और बेलर की टीम पे भारी पड़ने लगेंगे, उन पर हर वीक अटैक करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद गाइज, फिन बेलर इतना गुस्सा हो जाएंगे कि वे एज की फैक्शन को खत्म करने के लिए द डीमन किंग को वापस ले आएंगे। गाइज, इससे पहले फिन बेलर ने किस तरह से डीमन किंग को WWE में वापस लाया था वो सब हम लोगों ने देखा था। जब स्मैकडाउन में फिन बेलर ने रोमन रेंस को चैलेंज किया था, तब रोमन ने ना सिर्फ उनका मजाक उड़ाया बल्कि उन्हें काफी बुरी तरह से मारा भी था। और गाइज, इसके बाद फिन बेलर इतना गुस्सा हो गए थे कि वो रोमन को खत्म करने के लिए अपने डीमन वाले कैरेक्टर को ले आए थे, भले ही WWE ने इनके मैच में रिंग रोप ब्रेक कर चीटिंग कर रोमन रेंस को जिता दिया था। लेकिन गाइज, अगर दोबारा से एस की फैक्शन को खत्म करने के लिए फिन वेलर को डीमन किंग को लाना होगा तो वो उन्हें जरूर लाएंगे। क्या गाइज, आप चाहते हो कि द डीमन किंग फिन वेलर WWE में वापस आए, वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो गाइज, आज की वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। गाइज, प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई लोग चैनल पर नए हैं वे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देन तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।